गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनंका जी। आज का टॉपिक है ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कई हरदेव बसेगा ईश्वर मन मंदिर बन पाएगा। प्यारी प्यारी साध संगत जी, जब तक इस मन में परमपिता परमात्मा नहीं बसते हैं तब तक ये मन मंदिर नहीं बनता है। मन मक्का, दिल द्वारका, काया काशी जान, दस द्वारे का देहरा तामे ज्योत पहचान, कि मन ही मक्का मदीना काशी और काबा है, तो अपने अंदर ही परमात्मा को खोजना है। क्योंकि हम अक्सर बाहर परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन परमात्मा तो अंदर ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाहीं। कि जिस प्रकार एक कस्तूरी जो मृग होता है, वो जो उसकी नाभि से ही सुगंध आती है, लेकिन वो जंगल जंगल भटकता है और वो जो कस्तूरी है उसकी नाभि में रहती है, लेकिन वो उससे अनजान रहता है। तो इसी प्रकार समझाया गया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कि उसके नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वो जंगल जंगल भटक के उसको ढूंढ रहा है। तो इसी प्रकार ये पिया, ये परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमारे मन में ही है, लेकिन मन को साफ करना पड़ेगा। अगर मन को साफ सुथरा बनाएंगे, निर्मल पावन बनाएंगे, तभी इसमें ईश्वर का वास होता है। और फिर सदगुरु जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर हमें परमात्मा का बोध करा दिया कि ये परमात्मा है, इस हरि निराकार के साथ जुड़ जाओ, इसी में मन को रंगा लो। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा, मैले मन में उंजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कई हरदेव बसेगा ईश्वर मन मंदिर बन पाएगा। कि जब तक परमात्मा का बोध हासिल नहीं होता है, तब तक ये मन उजला निर्मल पवन पवित्र नहीं होता है। और जिस वक्त परमपिता परमात्मा का बोध होता है सदगुरु की कृपा से, तो फिर मन से सारे जो भ्रम हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो अंधेरे हैं, जो भ्रांतियां हैं, सब दूर हो जाती हैं, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर भ्रम की समाप्ति हो जाती है। और अगर हमारे मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो फिर ये मन मैला हो जाएगा। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कि अगर मन का ये आंगन, मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार हैं, तो फिर परमात्मा कहाँ बैठेंगे। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो अगर मन में विकार है तो कहाँ पर ईश्वर बैठेंगे। अगर मन ही मैला है, मैला तेरा आसन है। बाबा जी कहते हैं कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। अगर ये मन ही गंदा है, मन में मलिनता है, मन निर्मल पावन नहीं है, तो ये ईश्वर कहाँ पे उसमें बैठेंगे। तो अगर ईश्वर को मन में बसाना है, तो ये मन के आंगन में झाड़ू मारना पड़ेगा। सत्संग सेवा सिमरन का झाड़ू मारना पड़ेगा, ज्ञान का झाड़ू मारना पड़ेगा, ये निरंकार को मन में बसाना पड़ेगा। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा, मैले मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। कि अगर मन साफ नहीं है, तो फिर उसमें ईश्वर को हम कैसे बुलाएंगे, हम ईश्वर का स्वागत कैसे करेंगे। परमपिता परमात्मा ईश्वर कैसे हमारे इस मैले मन में बसेंगे, ये सोचने की बात है, विचारने की बात है। तो अगर हमें परमात्मा को मन में बसाना है, तो हमें सद्गुरु के दरबार में जाना पड़ेगा, गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कई हरदेव बसेगा ईश्वर मन मंदिर बन पाएगा। कि जब ये गुरु का ज्ञान निरंकार मिलता है, तो ये मन निर्मल पावन पवित्र हो जाता है, और ये हमारा मन ही मंदिर बन जाता है। तो हमें निरंकार के साथ जुड़ना पड़ेगा, केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर मन हमारा मंदिर बन पाएगा। गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।